राधे राधे बेकर्स आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है तो गाइस आज है चिल्ड्रन डे और आज ना मुझे तीन केक के ऑर्डर्स मिले हैं तो तीनों केक को मैं आप लोगों के साथ एक ही वीडियो में शेयर करने वाली हूँ तो पूरी डिटेलिंग रेसिपी नहीं होने वाली है बस थोड़ा बहुत मैं आपको केक के बारे में जानकारी देने वाली हूँ और बहुत ही इजी डेकोरेशन था तो एक केक की तो मैंने यहाँ पे फाइनल फ्रॉस्टिंग स्टार्ट कर दी है और मैं सोच रही हूँ कुछ रंग बिरंगा मैं केक बनाऊँ ताकि ना बच्चों को जो रंग बिरंगी चीज़ें होती ना थोड़ी अट्रैक्ट करती तो बच्चे बढ़िया से खुश हो जाए देखे तो. तो दो केक का ऑर्डर मुझे एक टीचर ने दिया था इन तीसरे वाले केक का ऑर्डर कुछ बच्चों ने मुझे दिया था और दो केक का ऑर्डर मुझे दोपहर में मिल गया था तो उन्होंने बोला था आप अपने हिसाब से बना देना तो यहाँ मैं अपने हिसाब से ही काम कर रही हूँ तो यहाँ पे मैंने दोनों कलर अप्लाई कर दिया है थोड़ा सा स्क्रैपर में ही कलर मिक्स करके बस इसे केक पे लगा दिया और अच्छे से प्लेन करने लगी हूँ और ऊपर भी बढ़िया से यहाँ पे मैंने प्लेन कर लिया है और ज़्यादा कुछ मुझे नहीं करना है बस ना मैंने सोचा है कि यहाँ पे मैं हैप्पी चिल्ड्रंस डे लिख दूँगी और कलरफुल मेरे पास स्प्रिंकल्स है तो इस, आ, जो देख लीजिएगा अभी मैं ऐड करूँगी तो तो उसी से ना मैं केक डेकोरेट कर दूँगी तो ज़्यादा ताम झाम वाला डिजाइन नहीं है बहुत जल्दी ये डेकोरेशन हो गया था ये देखिए इसकी फाइनल डेकोरेशन ये है इन सेकेंड केक भी मैं जल्दी जल जल जल्दी से आइसिंग करने लगी हूँ गाइस क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कल सुबह के सुबह कस्टमर आ जाएंगे लेने के लिए कल मीन्स चौदह तारीख को इन तेरह तारीख का ये ऑर्डर था तो और आज ही रात को ये वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ अगर अपलोड हो पाई तो तो आज मेरे दो वीडियोस आ रहे हैं आप दोनों वीडियोस देखिए एक चॉकलेट केक का वीडियो है एंड दूसरा ये होने वाला है चिल्ड्रंस डे स्पेशल केक का वीडियो तो यहाँ पे मैंने ब्लू एंड ऑरेंज कलर ले लिया है और ये भी थोड़ा कलरफुल मैं बनाने वाली हूँ तो मैंने सोचा कुछ और था लेकिन ना वो वाला जिसमें बच्चे बने हुए थे हाथ पकड़ते हुए लेकिन ना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा समय चला रहा था और मेरे पास इतना समय नहीं था तो मैंने ना मस्त वाला ही डिज़ाइन बना लिया है थोड़े ही समय में और इतनी जल्दी एक मैंने डेकोरेशन कंप्लीट कर ली थी ना गाइस बहुत जल्दी हो गया था तो यहाँ पर मैंने डॉट डॉट रख दिए हैं अब ब्लू को पहले ऊपर की तरफ खींच लेते हैं ताकि एक बढ़िया सा पैटर्न बन जाए ठीक है एंड इसे पोच के फिर हम दूसरा कलर का उठा देंगे जो मैंने ऑरेंज कलर लिया है तो बहुत बढ़िया सा पैटर्न बन जाएगा आप ये तीन से चार कलर में भी ये काम कर सकते हैं बहुत अच्छा कलरफुल केक वाइज दिखाई देगा तो यहाँ पे भी देख लेते हैं थोड़ा कलर डाल देते हैं और ये करके मैं क्या करने वाली हूँ आप सोच रहे होंगे अरे ये कैसे टाइप से तो कुछ डिज़ाइन नहीं बन रहा है बट वेट करिए थोड़ा देखते जाइए आप तो यहाँ पे मेरे पास पर्पल क्रीम भी थोड़ी सी रखी हुई थी तो ये भी मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया अब बस को स्केल को आगे से पीछे की ओर चला दिया है बस स्ट्रेट 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 बस ऐसे ही करते जाना और जो स्केल में क्रीम लगाया है उसको भी खाली स्पेस पे डालते जाना और बस एक बार स्ट्रेट बस हो गया ना कलरफुल सा और काफ़ी प्यारा सा ये डेकोरेशन लग रहा है और जहाँ पे कलर मुझे लग रहा है रिक्वायर लग रही है वहाँ पे मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है और बहुत ही बढ़िया सा ये लग रहा था डेकोरेशन और बस उसमें भी मैं हैप्पी चिल्ड्रंस डे लिख दूँगी तो आज का डेकोरेशन बहुत ही सिंपल है और बहुत ही झटपट मैंने इसे कर ली थी तो जब अर्जेंट ऑर्डर आते हैं हमारे पास समय नहीं होता तो कुछ ऐसे डिजाइन का चुनाव करना चाहिए जो जल्दी से जल्दी हम कंप्लीट कर पाए और ये डिज़ाइन मैंने बहुत ही जल्दी पूरी कर ली थी अब थोड़े से ना कलरफुल स्प्रिंकल्स मैं ऐड कर दूँगी ये बहुत छोटे वाले हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था इस केक के साथ में मैं लास्ट में आपको तीनों केक का लुक ना दिखा दूँगी साथ में तो आप बताइएगा कौन सा केक बहुत ब्यूटीफुल सा लग रहा है तो ये भी हो गया ये हाफ पाउट से ज़्यादा का केक था तो इससे भी मैं फाइनलाइजिंग कर दूँगी और मैं भूल गई थी फिर मुझे याद आया बच्चों ने बोला था आप पिंक या ना पर्पल में कुछ बना दीजिएगा तो फिर वाइट क्रीम मैंने निकाल के यहाँ पे पर्पल क्रीम ही अप्लाई कर दी है और गाइस अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो मेरी कोशिश होती है कि ना मैं अलग अलग से ही डेकोरेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं ताकि आप लोगों को ना आसानी से केक बना सके आसानी से डिजाइन समझ आए जो झटपट भी बन पाए जो क्रिटिकल होते हैं सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ और ये ना मैंने फोर इंच के केक टीन में बनाया था सौ ग्राम प्रीमिक्स से तो ये हाइटेड केक ना मुझे थोड़ा सा और जब छोटा केक होता है ना तो थोड़ा सा फिनिशिंग में प्रॉब्लम होती है आप लोगों से क्या ही छुपाना तो थोड़ा सा ना इधर से उधर ना ये केक जब हाइटेड होता है ना छोटा वाला केक तो बहुत ज़्यादा हिलता रहता है तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रेड कलर लेकर अप्लाई कर दिया ताकि दो तीन कलर कॉम्बिनेशन आ जाए बट ये ऑरेंज के जैसा लुक क्यों आ रहा था मुझे नहीं पता मैंने रेड कलर लिया था और अभी जो मैंने रेड रेड नाम है ना उसका जो मेरे पास जेल कलर है तो उसका रेड कलर प्रॉपर नहीं आता है पता नहीं क्यों बहुत अजीबो कलर गरीब उसमें कलर आता है मैंने लास्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी ना हार्ट एनिवर्सरी केक की तो उसमें भी यही वाला जेल कलर यूज़ किया था बट बहुत अजीब कलर हो गया था फिर मैंने प्रॉपर लिक्विड रेड कलर इस्तेमाल किया और देखिए वन पॉइंट का केक रेडी है गाइस इसका वेट आप देख लीजिए इन बारी बारी से मैं आपको तीनों का वेट कर कर दिखा देती हूँ और देखो एक हाथ से ना मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था और बस दूसरे हाथ से मैं काम कर रही थी तो बस टेढ़ा मेढ़ा सा कुछ हो रहा था ये हाफ पाउंड का केक हमारा तीन सौ ग्राम से थोड़ा ऊपर का चला गया है एंड थर्ड वाला केक भी मैं आपको दिखा देती हूँ तो ये 500 ग्राम चला गया मतलब परफेक्ट वेट का इस बार मेरा केक बना है और आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ वन पाउंड में वन पाउंड का ही मैं केक कस्टमर को दे सकूँ क्योंकि देखो ज़्यादा ज़्यादा केक देने के चक्कर में मेरा भी थोड़ा लॉस हो ही जाता है तो इन तीनों में से आपको कौन सा डिज़ाइन पसंद आया बिल्कुल बताया और जो ये तीसरा केक है ना हाफ़ पाउंड वाला तो बच्चों ने ऐसे ही फ्लावर्स बनाने के लिए बोला था तो मैंने वैसे ही बना दिया मैंने ना बच्चों को बोला भी था कि वो ना इतना हाइट में अच्छे से लिखने नहीं बनेगा बहुत अच्छे से ये नहीं बन पाएगा पर उन्होंने बोला कि आंटी आप देख लो आप बना दोगे तो थोड़ा फ्लावर्स वगैरह डाल देना फिर मैंने ना हैप्पी चिल्ड्रंस डे लिख लिया था और तो छोटे छोटे फ्लावर्स बना दिए थे अगर आपको डेकोरेशन पसंद आया तो चैनल पर बने रहो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो स्वस्थ रहो मस्त